गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पार्ट्स आपका एक्सरसाइज चल रहा था। इसी एक्सरसाइज में मैंने एक फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटा, नोट करके आप लोग लिख लेना। नोट, इफ द इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन in the form of किस फॉर्म में होना चाहिए बेटा? इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये एक फॉर्म है। अगर कोई इंटीग्रेशन आपका एक फॉर्म है देन दैट इज करके आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैस एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसी पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे ठीक है, इसी पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। 19th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, 19th क्वेश्चन है ई की पावर एक्स e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है dx। तो इसको सॉल्व करूंगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 अपॉन x माइनस, प्लस कर देता हूँ, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी dx। तो इसका वी नो दैट करके आप लेट एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है। अगर इसका इंटीग्रेट करूँगा तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कल फॉर्मूला क्या बताया था? वी नो दैट ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या बताया था? ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना है? एफ एक्स ई की पावर एक्स को ई की पावर एक्स लिखा, एफ एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। 20 वाला भी सेम क्वेश्चन है, ई की पावर एक्स एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है डी एक्स। तो यहाँ पे होल क्यूब है, इसको चेंज कर लेता हूँ बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, इसको x माइनस 1 माइनस 2 लिख सकता हूँ, 3 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब डी एक्स। तो फाइनल आप इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। अलग अलग सेपरेट कर लो, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब डी एक्स हो जाएगा। ठीक, तो आप इसके बाद देखना बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब डी एक्स। सेम वे में लेट एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका एफ डैश एक्स इक्वल टू निकाल लोगे तो माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो क्या फॉर्मूला बताया था? वी नो दैट ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या बताया था इंटीग्रेशन में? डी एक्स का ई की पावर एक्स प्लस डी एफ एक्स प्लस सी। तो e की पावर x कितना हो जाएगा? 1 अपॉन x e की पावर x ही x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ओके, थैंक्स।